कही कि आज जो हम यहाँ पर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रहे हैं अपने तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, हम पर भारत सरकार पर अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि जाकर नाइक को लेकर, जो कि इंडिया के अंदर इस समय मोस्ट वांटेड है, बहुत सारे आरोप हैं उसके ऊपर, हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार करने का, गैर मुस्लिम के खिलाफ प्रचार करने का, धर्मांतर करवाने का, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों में वह शामिल है, और भारत सरकार बड़ा बेसब्री से उसको गिरफ्तार करने का और भारत लाने का उसको इंतजार कर रही है, बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि कतर के अंदर जो यहाँ पर इस समय जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है वहाँ पर उसकी मौजूदगी जो है वो देखी गई है। इतना ही नहीं, वहाँ पर वो कई फुटबॉल मैचों के दौरान वहाँ पर धर्म को लेकर उपदेश भी देने जा रहा है, ऐसी जानकारी हमें टीवी चैनल और पत्रकारों के द्वारा यहाँ पर जो है हमें मिली है, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करते हैं। और भारत सरकार से, मोदी सरकार से हमारी अपील है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय कद का, अपने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर इस जाकिर नायक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और कतर से भी हम मांग करते हैं कि कतर पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि उसको वहाँ पर किसी तरह के उपदेश देने की अनुमति ना दी जाए, क्योंकि उपदेश देने से पहले उसको गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। इसके साथ ही हम देश की जनता से भी अपील करते हैं कि इस तरह के फुटबॉल फीफा कप का आयोजन किया गया है, जिसमें इस तरह के खेलों के प्लेटफार्म को किसी धार्मिक उपदेशों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया जाए।